सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रूही चंद। हम तंजानिया के वो गांव में हैं और हमारा स्वागत बिल्कुल हीरो की तरह किया जा रहा है, क्योंकि इस गांव में पानी की बहुत कमी है, इसलिए आए दिन यहां बच्चे मरते रहते हैं और मैं यहां ऐसा होने नहीं दूंगा। पानी की कमी के कारण गंदा पानी पीने की वजह से पेचिस जैसी बीमारियों का होना और स्वच्छता के अभाव के कारण अफ्रीका में हर दिन लगभग 800 बच्चों की मृत्यु होती है। ये तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने इन कारणों की वजह से अपने रिश्तेदारों को खोया है। इस गांव की आबादी 2500 है और किसी भी घर में नल का पानी नहीं आता है। लोग इस गंदे तालाब का पानी लेने के लिए रोज यहां आते हैं और दो दो घंटे तक अपने सर पे बाल्टी पकड़ कर रखते हैं। उन्होंने एक विशेष समारोह के साथ हमारा स्वागत किया। हम सिर्फ एक कुआं ही नहीं खोदेंगे बल्कि वीडियो के दूसरे भाग में मैं शायद एक असंभव काम करने की कोशिश भी करूंगा, बेहतर ढंग से समझने के लिए कि यहाँ पर रह रही महिलाओं को क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए मैं तालाब से अपने सर पर पानी की एक बाल्टी को ले जाने की कोशिश करूंगा, जो कि गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम देखेंगे कि क्या मैं बिना पानी गिराए बाल्टी को उबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर जा सकता हूँ। कुछ मामलों में बारिश होने पर वे बाल्टी को जमीन पर रख देते हैं और बारिश का पानी पीने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी आती है? यहाँ लड़कियाँ बहुत शर्मीली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। महीनों से व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद गांव की महिला नेता ने क्षेत्र के पहले कुएं से पहली बार पानी निकाला। फिर जब मैंने पतवार को पकड़ा तो बच्चे पानी पानी बोलने लगे, जिसे सुनकर हमारे दिल में बहुत अच्छा महसूस हुआ। और जिज्ञासु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे पानी को देखकर इतने खुश हो जाएंगे। पीने का पानी शायद हमारे लिए इतने मायने नहीं रखता, लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखता है। इन लोगों को पहली बार इतना सारा पानी मिला है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खासकर बच्चे बहते हुए पानी के नीचे एक एक करके नहा रहे थे। उन्होंने हमारे लिए अपने स्थानीय नृत्य का प्रदर्शन भी किया। जब हमने शूट करने के लिए अपना ड्रोन उड़ाया तो हमें उन ग्रामीणों की बहुत दिलचस्पी दिखी, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ड्रोन देखा था। ये सिर्फ एक ड्रोन है। सभी हैरान रह गए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि उड़ने वाली चीज क्या है। अब मैंने अपनी बाल्टी ले ली है और अब मैं पुराने पानी के कुएं तक 7 किलोमीटर चलकर जाऊंगा और देखूंगा कि इन लोगों को किन किन बातों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा वहां से पानी भरकर मैं 7 किलोमीटर वापस आऊंगा। यहां की महिलाएं जो हर रोज करती हैं, क्या मैं वो कर पाऊंगा? लंबा और दर्द भरा सफर शुरू हो चुका है और जो लोग जिज्ञासु थे वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां जूते नहीं पहनती हैं, वे सब नंगे पैर ही चलती हैं। जैसे कि पानी के तालाब तक पहुंचने के लिए सिर्फ गांव छोड़ना मेरे लिए काफी नहीं था, मैंने अगले 2 अन्य गांव को भी पार कर लिया है। चलते चलते मैंने लंबे कोकून के पेड़, झाड़ियाँ, छोटी पहाड़ियाँ और घाटियाँ देखी। भले ही खाली बाल्टी लेकर गांव में जाना बहुत ही आसान काम है, मैं लगातार 1 घंटे से चल रहा हूं और मैं पहले से ही थक चुका हूं, तो जब मैं वापस आऊंगा तो क्या होगा? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत गहरा है। ये बाल्टी को रस्सी के साथ नीचे लटकाते हैं और फिर पानी को खींचते हैं। बहुत कठिन है। आप देख सकते हैं कि इस घर के मालिक ने कितनी चतुराई से छत में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बारिश के पानी को सीधे कुएं में भेजता है। चलिए अब अपनी बाल्टी को भरते हैं, फिर पूरी बाल्टी भरकर वापस चलते। क्या आप अपने हाथों को हटा सकती हैं? बिना हाथों के इस तरह। क्या आप चल सकती हैं? अजीब परिस्थिति है। जहां तक मुझे पता है, मैंने कई महिलाओं को इस तरह गांव में लौटे हुए देखा है। नामुमकिन। देखिए उन्होंने कितना अच्छे से किया, इधर उधर हिलने के बावजूद उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखा। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है। चलो चलते हैं। ये अभी से ही गिर रहा है। उन्होंने हर बार रास्ते में मुझसे बाल्टी लेने की कोशिश की। नहीं 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 नहीं, उन्हें लगा कि मैं जल्दी हार मान लूंगा। वे सब हर समय मेरी ओर देख रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि मैं हार मानूंगा या नहीं।
बाल्टी उठाते समय जो प्रकृति की आवाज आ रही है वो लगभग सम्मोहित करने जैसी है। एकदम शांत वातावरण, मुझे लगभग अपनी गर्दन में दर्द महसूस नहीं हो रहा है। जब मैं बाल्टी को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथों में भी दर्द होता है। मजे की बात तो यह है कि एक घंटे के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तब मलेरिया फैलाने वाले मच्छर आ जाएंगे, और अंधेरा होने में केवल आधे घंटे की ही देरी है। मुझे जल्दी करना होगा। अगर मुझे मलेरिया का वायरस फैलाने वाले मच्छरों ने काट लिया तो पहले मेरा शरीर कांपेगा, उल्टी होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, और फिर अगर मेरा सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो मेरी मौत बहुत दर्दनाक हो सकती है। उस पेड़ को देखें, ये कैसे टेढ़ा विकसित हुआ है। आधा रास्ता पार कर चुका हूँ, पूरा भीग चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत कम पानी बर्बाद हुआ है। मेरे बालों में मिट्टी चली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये सब संभालूंगा। लेकिन ये एक ऐसा काम नहीं है जिसे मैं हर रोज करना चाहूंगा। जो लोग बात करते हैं कि उनका जीवन कितना कठिन है, जो लोग काम या पढ़ाई के बारे में शिकायत करते हैं, उनकी सभी शिकायतों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मैंने जो बाल्टी अपने सर पर रखी है उसमें केवल 5 लीटर पानी है। सोचें कि जिसके परिवार में 7 जने होंगे उनका क्या होगा। हर दिन 2 घंटे तक इस थका देने वाले रास्ते पर चलने के बाद उन्हें अपनी प्यास बुझानी होती है, खाना बनाना होता है, नहाना होता है और कपड़े धोने होते हैं, वो भी सिर्फ 5 लीटर पानी से। इसके अलावा ये पानी का स्रोत बिल्कुल भी साफ नहीं था, और कभी कभी पानी का ये जल स्रोत पूरी तरह से सूख भी जाता है। ऐसे में लोगों को प्यास और पेचिश का सामना करना पड़ता है। यहाँ बच्चे प्यास और दूषित पानी से मर रहे हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और औसतन अमेरिकी नागरिक की दैनिक पानी की खपत लगभग 150 लीटर है, जिसमें नहाना, दांतों को ब्रश करना या जो खाना वे बनाते हैं उसके लिए पानी का इस्तेमाल करना शामिल है। ये बेहद मुश्किल है। मेरा सर, पैंट सब गीले हो गए। मेरे हाथों, कंधों और गर्दन में दर्द हो रहा है। मुझे अपने सर की हड्डी में भी दर्द महसूस हो रहा है। मैडम, रुकिए रुकिए, जरा रुकिए। और आखिरकार अफ्रीकी महिला की दिनचर्या को समझने का 7 किलोमीटर का सफर खत्म होने ही वाला था। हर कोई हैरान है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उनकी परेशानी का अनुभव किसी और ने किया है। सब पागल हो गए, सभी बहुत खुश हैं। हमने अपनी सहानुभूति व्यक्त और उनकी समस्याओं को बांटा। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं पूरे दिन बाल्टी को अपने सिर पर रखने के बाद इसे बैलेंस कर सकता हूँ। अब इस गांव में कोई भी प्यासा नहीं मरेगा। फिर उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ नारियल दिए। मेरी गर्दन में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चे मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं गांव में घूमना चाहता था और वे सब हर जगह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, कभी मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सालों से जो लोग अजनबियों से डरते थे वो आज मेरे हाथों को छोड़ नहीं रहे हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो वे बहुत शर्मा रहे थे, लेकिन जब हमने कुछ समय साथ में गुजारा तो उनका शर्मीलापन खुशी में बदल गया। बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं ये देखकर बहुत भावुक हो गया कि इन बच्चों को, जिन्हें अपने पिता के स्नेह की जरूरत थी, उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है इन सब से अलविदा लेने का। रुको 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 रुको, यही रुको रुको रुको, अलविदा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे सड़क के ज्यादा करीब ना आ जाए। मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं और मेरी टीम आप तक मूल्यवान जानकारी लाने के लिए दुनिया भर की यात्रा करना जारी रखेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और व्यापक दृष्टिकोण के साथ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। रूही चैनत यहाँ पर था।